चले हो बोलो। आपको दर्पण कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग को बेसिक नॉलेज के लिए बहुत अच्छा टॉपिक लाए हैं, गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालने का टॉपिक। तो हमारे साथ आप अंत तक बना रहिए और देखिए कि कुछ मिनटों में ही आप बढ़िया से सुपर तरीके से कैसे गुणनखंड द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। तो आइए कम टू पॉइंट बच्चों, मेरी गाइड, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालें कैसे भाई। अब मान लिया जाए क्या आपको दे देगा 36, इसको निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिए 18 हो गया, 36 का आधा 18, और 18 के आधा 9, 9 का 3 दूसरे भाग देते हैं तो नहीं कटता, तो 3 से काट देंगे, या अभाज्य संख्या आ गया 3 को भी काट दिए, या भी अगर 36 को अब गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 3 अब जोड़ा जोड़ा हम लगा देते हैं। तो देखिए जोड़ा को एगो लिखते हैं, अच्छा दो आ एक तीन में से एगो तीन, तो 3 × 2 = 6। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आओ हम देखते हैं आपको कि 49 रहेगा, तो 49 को हम कैसे काटते हैं, दूसरे नहीं काटता है प्यारे, तो हम 7 से डायरेक्ट काटते हैं इसको, 7 × 49। तो देखिए यहाँ 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 × 7 प्यारे, 2 है 7, तो यहाँ हो गया 7। एक और देखते प्यारे, ये देखिए 64 का है ना, 64 देखते हैं, 64 तो इसका आधा होता है 32, 32 के आधा होता है 16, 16 के आधा होता है 8, 8 और 8 के आधा होगा 4, 4 के आधा होगा आपका 2, और 2 के आधा होगा 1। तो यह देखिए आगे आपको 64 का, तो 2 × 2 × 2 है ना, 2 × 1 × 2 = 3 × 4 = 5 × 6, 1 × 2 = 3 × 4 = 5 × 6। अब इसको हम जोड़ा लगाते हैं, ठीक है। अब एक जोड़ा हम से एक दो निकालते हैं, ये 2 × 2 × 2 तो इसका हो गया 8, कितना हो गया 8। जय हिंद जय भारत। ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलेंगे। ये आप ही का लिया हुआ आवाज़ है, आप मेरे ताकत हैं, आप ही मेरा जान है। टेक केयर योर सेल्फ, आई सी अगेन यू। ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलेंगे। जय हिंद।